आप सुरक्षा कितनी भी बड़ी ले लीजिए, हमसे आप बचोगे नहीं। मतलब ये बड़ी उन्होंने बात। भारत सरकार, राज्य सरकार, वाई कैटेगरी, जेड प्लस, जेड कैटेगरी, ये जो भी बताया है, इन सबको सबको उन्होंने ध्वस्त करते हुए एक खुला चैलेंज दिया है। खुला चैलेंज दिया। एक आखिरी सवाल अशोक जी आपसे मेरा, कि आज एक बयान आया अरविंद केजरीवाल का गुजरात से। उन्होंने वो गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं, उनको पंजाब में क्या हो रहा है कितनी उनकी परवाह है, इस पे मैं प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मियां बीबी की तरह बिहेव कर रहे हैं कांग्रेस और भाजपा, और दूसरा प्रधानमंत्री भी गुजरात चुनाव में व्यस्त है, हिमाचल चुनाव में व्यस्त है। मैं ये दोनों नेताओं का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि पंजाब में खालिस्तान को पनपने से अगर कोई आशंका है उसको रोका जाए। क्या ये बड़ी एजेंसियां फेल होती हुई नजर आ रही हैं पंजाब में? क्योंकि ये NIA हो गई या जो IV है, तमाम एजेंसियां हैं, या इन लोगों की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो इस पर ध्यान दें। भगवंत मान भी प्रचार कर रहे हैं हिमाचल और मैंने गुजरात में। मैंने वही कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी का ये मेजर फेलियर है यदि खालिस्तानी आतंकवादी इस मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दूसरी बात शिवम, हमारे यहाँ नेता गिरगिटों से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हैं, गिरगिटों से भी ज्यादा। जब इतना बड़ा पुल का हादसा हुआ मोरबी में, तो प्रधानमंत्री रंगारंग कार्यक्रम में बिजी थे क्योंकि उनको चुनाव सामने दिख रहे थे। आज दिल्ली पोल्यूशन से इतनी परेशान है। मैं जब कल एक कार्यक्रम खत्म करके जब दिल्ली लौट रहा था, तो मुझे लगा कि शायद प्लेन लैंड करेगा भी नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा था, विजिबिलिटी जीरो जैसी हो गई थी। तो ये, और जैसे ही प्लेन आपको लैंड होने की स्थिति में आती है, आपको प्लेन के अंदर धुआं महसूस होता है। ये आज के डेट में दिल्ली का पॉल्यूशन है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अब पॉल्यूशन पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसको खत्म कैसा करें ये देखना चाहिए। जब ये विपक्ष में थे, जब सत्ता में नहीं थे, तो छोटी छोटी बातें और राजनीति होती थी। आज प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं गुजरात में आप मत बताइए क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम हमको पता है, इसका सोल्यूशन हम साथ में मिलकर ढूंढना चाहिए। राजनीति क्यों करते हो? तो भजन करने के लिए तो कोई नहीं आया है। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, उनको उनकी ज्यादा चिंता है बगैर पोल्यूशन की। तो दिल्ली पोल्यूशन से ग्रस्त है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां आम आदमी पार्टी को कोई चिंता नहीं। पंजाब में सरेआम सिक्योरिटी कवर मिलने वाले लोगों की हत्याएं होती है, और गुजरात में हम गुजरात को एक अच्छा शासन देंगे, ऐसे वो लोग बात करते हैं जो दो जगह पंजाब और दिल्ली में विफल होते हुए दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी तो लगातार बोल ही रहे कि हम पंजाब में और अच्छा शासन देंगे, ये बार रिकॉर्ड बार मिल इतना गए। बोलना पड़ रहा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 27 साल तक गुजरात में उन्होंने लोगों को मूर्ख ही बनाया, तो अब लोग सही मूर्ख बात बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सब ये कुल मिला के दुर्भाग्य है देश का। जिन्हें हम अपना अभिभावक मानते हैं, जिन्हें हम अपना कर्ता धर्ता मानते हैं, वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए तैयार है। बाकी जनता एक बार 5 साल में एक बार वोट ले लिया आपसे, उसके बाद आप भगवान भरोसे और फिर आत्मनिर्भर बनो, मेरे भरोसे मत रहो। ये केजरीवाल जी भी कहते हैं और प्रधानमंत्री भी कहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।